हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत बढ़िया होंगे। इसी विश्वास के साथ दोस्तों मैं आपको पाठ दो बहुपदियों में चालू किया हुआ था दोस्तों। स्वाध्याय 2.1 सिखा दिया था, आज 2.2 सिखा नहीं रहा हूँ, उसके लिए पूर्व तैयारियाँ कुछ करवा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सीखेंगे। दोस्तों हमारे पास है आज शून्य ज्ञात करें, हमने कल देखे थे सवाल, आज उसी तरह से देख रहे हैं। आज की एक अंतिम रीति है, उसके बाद में दोस्तों आपको मैं कुछ ही बाद में बड़ा कल से मतलब दोस्तों स्वाध्याय 2.2 चालू कर दूंगा। शून्य ज्ञात करें में सवाल दिया है, मान लीजिए आपको 6x का वर्ग माइनस 13x प्लस 5, इस बहुपदी के शून्य ज्ञात करें। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी भी नहीं सीखा है, चैप्टर नंबर 0 नहीं देखा है वीडियो, प्लीज़ दोस्तों 7-8 वीडियो हैं खाली, वो 7 वीडियो देख लीजिए, उसमें भी छिल्ले 5-6 खास, तो दोस्तों ये विधि आपको आ जाएगी। बड़ा पहले शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों जिस बहुपदी के शून्य ज्ञात करने हो उस बहुपदी के बराबर 0 मान लेते हैं हम, 6×5=30। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, 3 पद हैं, यहाँ पहले और छिल्ले का पहले गुणा कर लें, 6×5=30, 30 के पाड़ों जोड़ने पर 13 × 10 = 30, बिल्कुल सही है दोस्तों, दो 13 आ चुका है 10 और 3 को जोड़ने पर। बीच में चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लगाया माइनस। अब सोचा 10 और 3 को जोड़ने पे 13 आता है कि घटाने पर, दोस्तों जोड़ने पर आता है, समान चिन्ह आएंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे भी लगा दिया दोस्तों मैंने माइनस। अब यहाँ दोस्तों अपनी कल वाली शॉर्टकट नहीं लगेगी, क्यों, कल वाले सवालों में एक्स और के आगे कोई संख्या नहीं थी, आज एक्स और के आगे संख्या हो तो लॉन्ग कट लगाते हैं। याद कीजिए लॉन्ग कट कैसे लगाते हैं, पहले छिल्ले को कुछ नहीं करने का, 6x का वर्ग माइनस 10x माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। दोस्तों पहले और छिल्ले को कुछ नहीं करने का, एक्स एक्स लगा के बीच में यहाँ लिख देने का, 4 पदों के 2-2 की जोड़ी कॉमन ले लेने की, इसमें से दोनों में से कॉमन निकाला, 2x कॉमन आया, 3x माइनस 5 हो गया दोस्तों माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आया, बाहर 1 आया बेटा, चिन्ह बदल गया, 3x माइनस 5 बराबर 0। दोस्तों दोनों में आ गया बेटा मेरा 3x माइनस 5, और क्या बचा बेटा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणा बराबर 0, तो पहली संख्या बराबर 0 अथवा दूसरी संख्या बराबर 0, मतलब 3x माइनस 5 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। x का मूल्य चाहिए दोस्तों, 5 को वहाँ भेज दिया, 3x बराबर 5 आ गया, तो x बराबर 5/3 आ गया। इसी तरह से x चाहिए, 2x बराबर 1 लिखा, तो x बराबर 1/2 आ गया। अंत में लिखना भूले नहीं, 0 = 5/3 और 1/2 आ चुका है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अभी दूसरा सवाल मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, px = −12x + 4। चलिए इसके शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जिस बहुपदी के शून्य ज्ञात करना है उसके बराबर 0 मान लिया, 5x² - 12x + 4 = 0। दोस्तों पहले 3 पद हैं, पहले और छिल्ले का मन में गुणा करें, 5 × 20, 20 के पाड़ों जोड़ने पर कितना आवे, 12 आवे। यस दोस्तों 5 × 20, 20 के पाड़ों जोड़ने पर 12 आवे, 10 × 20, एकदम सही पकड़े हैं, 12 आ चुका है दोस्तों। बीच में चिन्ह माइनस, तो यहाँ लगाया माइनस। सोचा 10 और 2 को जोड़ने पे 12 आता है कि घटाने पर, सीधी बात है दोस्तों जोड़ने पर आता है, समान चिन्ह, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस। शॉर्टकट के लॉन्ग कट, क्योंकि एक्स और क्या क्या संख्या है, लॉन्ग कट लगेगी, लॉन्ग कट लगाने के लिए पहले और छिल्ले को कुछ नहीं करने का, ये और ये ऐसा क्या ऐसा आएगा, एक्स एक्स लगा के दोनों को लिखेंगे, −10x − 2x + 4 = 0। दोस्तों 2-2 करके कॉमन निकाला, ये 2 अलग ये 2 अलग, इसमें से कॉमन निकल गया दोस्तों 5x बचा x − 2, माइनस यहाँ पर कॉमन आया बड़ा 2 बचा x − 2 = 0। आ चुका है दोस्तों मेरे पास में x − 2 और 5x − 2 = 0, एक एक करके 0, x − 2 = 0 या 5x − 2 = 0। x चाहिए, x = 2 आ गया, −2 आ गया, प्लस में 5x = + 2 आया, x चाहिए, गुणे का 5/2 में 2/5,
अंत में लिखना भूले नहीं, समीकरण के शून्य बराबर या खाली शून्य बराबर कौन कौन सा है बेटा, दो और दो बट्टे पाँच। और दोस्तों इस तरह के दो सवाल अभी और सिखाता हूँ बेटा, दो एक सवाल और सीख लें दोस्तों। इसी पद्धति का तीसरा सवाल मान लीजिए मेरे पास है, पी एक्स बराबर छः एक्स का वर्ग माइनस तेरह एक्स प्लस का छः, छः एक्स का वर्ग प्लस तेरह एक्स प्लस का छः बर अपने को ये ज्ञात करना है। सबसे पहले जिस बहुपदी के शून्य ज्ञात करना है उसके बराबर जीरो मान लिया दोस्तों मैंने, गुणनखंड पाड़ दिए दोस्तों, छः छंग छत्तीस, पहले और छिल्ले का पहले गुणा किया, छः छंग छत्तीस, छत्तीस के पाड़ों जोड़ने पर तेरह आवे, नौ चौक छत्तीस, सही बात है तेरह आ चुका है, बीच में है प्लस तो यहाँ लगाया प्लस, जोड़ने पर आया कि घटाने पर आया, जोड़ने पर उत्तर आया, समान चिन्ह आएंगे ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस, शॉर्टकट के लॉन्ग कट, क्योंकि एक्स और क्या की संख्या है लॉन्ग कट लगेगी दोस्तों, लॉन्ग कट हो गए छः एक्स का वर्ग प्लस, बीच में दोनों को लिखा नौ एक्स प्लस चार एक्स प्लस का छः बराबर जीरो। आप देख सकते हो पहले और छिल्ले को मैंने ऐसा कैसा लिखा है, बीच में एक्स एक्स लगा के इसे लिख दिया, दो दो की जोड़ी पड़ी दोस्तों, ये दो अलग कॉमन निकाला, इसमें तीन एक्स आया बच्चा दो एक्स प्लस तीन प्लस का, दोस्तों यहाँ दो कॉमन आया बच्चा दो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। देख लिया दोस्तों मैंने क्या आ गया बेटा मेरे पास में, दो एक्स प्लस तीन और तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो आ चुका है, एक एक करके दोनों के बराबर जीरो, दो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो या तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। मुझे एक्स चाहिए, प्लस का तीनों भेजा माइनस में, दो एक्स बराबर माइनस तीन, एक्स बराबर माइनस तीन बट्टे दो, प्लस तीन था वहाँ गया बड़ा माइनस में गया बट्टे में दो ले लिया, एक्स चाहिए प्लस का दो वहाँ भेज दिया माइनस में, तीन एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर माइनस दो बट्टे तीन। अंत में लिख दिया समीकरण या शून्य बराबर, शून्य आगा माइनस तीन बट्टे दो और माइनस दो बट्टे तीन। दोस्तों द्विघात समीकरण था इसलिए इसके दो दो शून्य मिल रहे हैं, कुछ एक नया सिखा रहा हूँ दोस्तों। दी है आपको बहुपदी पी एक्स बराबर आठ एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात के शून्य ज्ञात किए बिना, शून्यों का योग तथा शून्यों का गुणा प्राप्त करें। दोस्तों यहाँ अब आपको बड़ा ये नवी रीति है, नया सवाल है, बहुत ध्यान से सीखना है, ये सवाल सीखोगे बड़ा तब जाके मैं आपको बोल पाऊँगा बड़ा कि कल से 2.2 चालू होगा। पहले दोस्तों ये क्या है, शून्य ज्ञात किए बिना शून्यों का योग और शून्यों का गुणा क्या है, यहाँ दोस्तों थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ ध्यान देना। दोस्तों द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप है। दोस्तों द्विघात बहुपदी के दो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपदी के दो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, तो दोस्तों ये नियम है ध्यान रखना पड़ेगा आपके, शून्यों का योग बराबर, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्योंकि शून्य दो होते हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यों का योग है तो अल्फा और बीटा का योग बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसी तरह से दोस्तों शून्यों का गुणा बराबर सूत्र होता है बड़ा, शून्यों का गुणा जिसको हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ये नियम है, नियम आपको याद कर लेना है, लिख लेना है दोस्तों, इसके बिना आपको सवाल नहीं आएंगे। अब दोस्तों कभी भी बोले शून्यों का योग ज्ञात करो तो माइनस बी बटे ए, शून्यों का गुणा का सूत्र सी बटे ए है, ये आपको याद रखना है, रखना है, रखना ही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको अगर सर ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, तो याद रखिए एक्स वर्ग के आगे जो लिखा है वो ए है, एक्स के आगे लिखा है वो बी है, और जो अचल पद है वो सी है। फिर से एक बार बोलना चाहूँगा,
इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे हम जब, तो x वर्ग के आगे a होता है, x के आगे जो होता है b होता है, जो अचल पद होता है वो c होता है। दोस्तों याद रखें, यहाँ पर अचल पद होता है वो c होता है। यहाँ ध्यान रखें, समीकरण इसी स्वरूप में होना चाहिए। पहले हमेशा दो घात होने चाहिए, फिर एक घात होनी चाहिए, फिर बिना घात होनी चाहिए। इस क्रम में अगर सवाल होगा तो ही आप इसके शून्य ज्ञात कर पाओगे। तो दोस्तों पहले हमको a, b और c ज्ञात करना है। a बराबर x और क्या के क्या लिखा, 8 लिखा है, इसलिए a बराबर 8 आ गया। b बराबर माइनस हो तो जरूर बोलना है, प्लस हो तो नहीं बोलना है। तो b बराबर माइनस 3 बोल सकते हैं, x के आगे माइनस 3 है। और c बराबर अचल पद प्लस 7 है, प्लस तो लिखेंगे नहीं, खाली 7 लिख देंगे। फिर से एक बार दोस्तों, दी गई बहुपदी से a, b और c कैसे ज्ञात करते हैं। x वर्ग के आगे जो लिखा होता है a होता है, x के आगे लिखे हुए को b कहते हैं, अचल पद हो उसे c कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है शून्य ज्ञात किए बिना, यानी शून्य कम जो ये ज्ञात करे तो नहीं ज्ञात करना है, उसके बिना आपको शून्यों का योग और शून्यों का गुणा ज्ञात करना है। और सबसे पहले सूत्र लिखा, शून्यों का योग बराबर सूत्र है माइनस बी बटे ए, ये माइनस का माइनस लगाया, बी का मूल्य माइनस 3 है, डबल बार माइनस क्यों हुआ सर, तो एक नियम का माइनस और बी खुद माइनस में, बटे में ए की वैल्यू कितनी है 8, माइनस माइनस प्लस का 3/8, उत्तर हो चुका है दोस्तों मेरा 3/8। ठीक है बेटा, शून्यों का योग बराबर माइनस बी बटे, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। इसी तरह दोस्तों शून्य अगर ये कट रहा हो तो काटना जरूरी है, शून्यों का गुणा, शून्य का गुणा को दोस्तों अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, सी की वैल्यू 7 है बटे ए की वैल्यू कितनी है 8। अगर ये कट रहा हो तो काटना जरूरी है। यहाँ शून्य ज्ञात नहीं करने, कहीं नहीं लिखा है शून्य ज्ञात करें, क्या लिखा है शून्य ज्ञात के बिना शून्यों का योग और शून्यों का गुणा। तो ये दोस्तों सूत्र याद रखना होगा आपको, और इसके ऊपर से आपको आज होमवर्क में भी एक सवाल में दे रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, होमवर्क करके आपको मैडम को भेजना है।